माहौल तो बड़ा अच्छा है और प्यार दिखा रहे हैं सब लोग, और सारे शहर में हम जब जाते हैं तो ऐसे ही प्यार मिलता है। दोबारा फिर से लगता है कि कैप्टन साहब सीएम का चेहरा बनेंगे जो डेफिनेटली जरूर। वेल वो तो जब गठबंधन का होता है बीजेपी के साथ है तो डिसाइड हो जाएगा। बीजेपी के साथ आने से फायदा हो गया, कुछ फायदा होगा? आई थिंक सो जी, जरूर। सेंटर की सरकार है और हमारी डबल इंजन सरकार जैसे बोल रहे हैं कैप्टन साहब और मोदी साहब की, तो जरूर फायदा होगा पंजाब में। कैप्टन साहब तो टूर पे रहेंगे पंजाब के। हाँ जी जो है उनका भी करेंगे। हाँ जी। तो क्या आप लोग संभालेंगे, तो किस तरह से आपने तैयारी की है और किस तरह से आप जा रहे हैं? हमारी तो जी तैयारी फुल है, हम हर रोज मीटिंग्स हो रही है, डोर टू डोर हो रहा है, और हमारी ये देखो सब लेडीज काम है, सारे वार्डों की एमसी सब इनके रोज साथ है। हम सब कहीं जाते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स लगे हुए हैं सारे डोर टू डोर, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले से ज्यादा मार्जिन होगा या किस तरह से आप, क्योंकि इस बार 6 पार्टियां हो गई हैं, 6 जगह बढ़ जाएंगे। मेरा ख्याल आप सरप्राइज होंगे मार्जिन कितना होगा। सरकार कैप्टन साहब और बीजेपी और नेक्स्ट ही बनेगी। हाँ जी, सरकार आपकी बनेगी कैप्टन साहब और बीजेपी। आई थिंक सो जी, जरूर। नो डाउट। कांग्रेस का जिस तरह से हाल हुआ है कैप्टन साहब के जाने के बाद, क्या लगता है कि कांग्रेस कहाँ पे आ? मैंने तो ध्यान नहीं दिया उधर के कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हम तो अपने लगे हुए हैं। इतना काम ग्राउंड लेवल पे बिब्बा जी ने किया है, एक एक मोहल्ले की गली शहर पूरे पटियाले में किसी और ने नहीं किया है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर रिस्पेक्टेड बिब्बा जी ने विजिट नहीं किया हो। इसलिए ग्राउंड लेवल पे जो काम हमारे रिस्पेक्टेड बिब्बा जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी है हम सब पूरा पटियाला बिब्बा जी के साथ है। महिलाओं के लिए कुछ खास करेंगे अगर सरकार बनती है तो? अभी कैप्टन साहब ने बोला तो था आपको, और अब पीछे जब वो सीएम थे, लेडीज को फ्री बस सर्विस, और जो कॉर्पोरेशन 50% रिजर्वेशन लेडीज के लिए। देखो जी, अब ये कह रहे हैं दिल्ली में अब तक तो दिया नहीं, पर देखो हमारा वोटर, हमारी लेडीज बड़ी स्मार्ट है, उनको पता है वो ऐसे में नहीं, धोखे में नहीं आएंगे।